हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं हूं। आप भी इस वेबसाइट पे आओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले दो तीन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा और आपसे आपका राय भी जो है लेना चाहूँगा मैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, जो लोग भी KBS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, साथ में DSSS भी के जिसमें कॉमन सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश GK रीजनिंग मैथ्स का हो, वो आपको प्रैक्टिस के लिए काम में आ जाएगा कि नए पैटर्न पे कैसे क्वेश्चंस अलग अलग इंस्टीट्यूट पूछ रही है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। यहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी पहली। अब दूसरे इन्फॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों से राय जानने की बात है, आपके ओपिनियन और आपका जो पर्सनल ओपिनियन है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप चाहते हैं कि KBS को CTET को अलाउ करना चाहिए इस साल के लिए? दूसरा ओपिनियन ये है कि आपको क्या लग रहा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए जो कोविड में 2 साल के एज रिलैक्सेशन सारे जगहों पर मिल रहे हैं, आप इसे भी जो है KBS को भी लागू करना चाहिए? तो नीचे कमेंट करके इसके बारे में अपनी राय जरूर लिखिएगा। तीसरी बात, आप लोगों से क्वेश्चन और आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये दे दूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे एक लोगो दिख रहा होगा G20 का। जी हाँ, G20 का। G20 के अगले साल के लिए भारत को प्रेसिडेंसी मिली है, यानी कि भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। तो G20 पे आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाइए। अभी फिलहाल के लिए G20 2022 में कहाँ पे होने वाला है, नीचे कमेंट करके इसके बारे में जरूर जानकारी दीजिए। अगर आपको G20 पे एक डेडिकेटेड GK की डिटेल्स में वीडियो चाहिए होगी तो नीचे G20 जरूर लिख दीजिएगा, तो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा जो कि KBS के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन के वेबसाइट पे मैं हूं और नीचे जब स्क्रॉल डाउन आप करते हो तो यहां से देखिए, यहां से आपको न्यू वाला सेक्शन दिख जाएगा। यहां से देखिए 23 दिसंबर को यहां पे एक अपडेट दी गई है कि आप मॉक टेस्ट लिंक के द्वारा कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा आने वाले रिक्रूटमेंट PRT TGT PGT के साथ साथ LDC की भी जो रिक्रूटमेंट आने वाली है और भी अलग अलग म्यूजिक वगैरह की रिक्रूटमेंट आने वाली है, उसके लिए आप जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो मॉक टेस्ट दीजिए और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक्चुअल में ही ऐसा टेस्ट आपके सामने खुलेगा जब आप सेंटर पे पहुंचोगे एग्जाम देने के लिए। तो ये मॉक टेस्ट आप लोगों को जरूर देना चाहिए और इस पे, इस मॉक टेस्ट वाले पे कि कौन से क्वेश्चन कैसे हैं, उसे कैसे एक्सप्लेन करके आपके सामने रखे जाए, तो नीचे कमेंट करके मॉक जरूर लिखिएगा। अब बोलोगे इतनी बातें बोलते हो, एक्चुअली आपके फायदे के लिए है, तो जिन्हें जो भी चीज़ें चाहिए होगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लेना है। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को यहाँ देख लिया है आपने तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज़ वीडियो को लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।